दोस्तों देखिए हमारा ये रनिंग कॉइल हो गया, अभी आपको क्या करने का है, आप बनाएंगे स्टार्टिंग कॉइल। अब दोस्तों देखिए आपने बनाया रनिंग कॉइल यहाँ पे, अभी आपको स्टार्टिंग कॉइल बनाने का है। तो स्टार्टिंग कॉइल बनाना आपको, तो क्या करना आपको, एक होल यहाँ लगा हुआ है, एक छोड़ के यहाँ लगा देना है। यानी कि आप ऐसे देखेंगे तो लगभग एक इंच छोटा हो जाएगा कॉइल हमारा। अब एक होल में दूसरे होल में अंतर एक इंच का अंतर है बस, दूसरे में कहीं मापता आता नहीं हो, अपने कॉइल छोटा करने का है। एक में लगा हुआ है, एक छोड़ के दूसरे में लगा देने का। बस ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इसमें निकालेंगे, इसमें लगाएंगे नहीं, इसमें लगा देंगे। पहले लगा था इसमें, अब लगा दिया इसमें, एकदम परफेक्ट कॉइल बनेगा, छोटा भी नहीं होगा बड़ा भी नहीं होगा, एकदम सही बनेगा। और दोस्तों इसके अंदर भी हम टन डालेंगे 320 टन 35 गेज एल्युमिनियम वायर, इसको फुल टाइट कर देना है ताकि। और दोस्तों ये डंडी जो है, एक मित्र ने कमेंट किया मेरे को कि सर ये पाइप चाहिए था, दोस्तों ये पाइप मिलता नहीं दुकान में, ये मेरे अपने हाथ से पंखे का पाइप है ये, इसको क्या किया है कटिंग करके इसके ऊपर वेल्डिंग करके बनाया है अपने हाथ से। तो आपको चाहिए तो बना के भी देना पड़ेगा, अभी कितने बनता है मैं अंदाज लगाया भी नहीं उस टाइम, बहुत दिन हो बना के इसको। अब दोस्तों मैं कॉइल बनाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमारा कॉइल बन गया है ये, और इस कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं, ढीला करें, और ढीला होते ही ढीला हो जाता है ये, आराम से इसको घुमाएं निकाल ले बाहर, वहाँ टूटने दबाए संभाल के, जब प्यार से बाहर निकाल दे निकल गया। दोस्तों देखिए वायर फंस गया है, वायर फंस जाएगा तो वायर छोटा हो जाता है, बहुत दिक्कत करता है फिर, सब ध्यान देना है। फिर आपको इसका रील लेना है, इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है, ये देखिए, और कॉइल को ऐसा रख दें, इस तरह से लेना है और भरना शुरू कर देना है। गड़बड़ हो गया, ये वायर इस तरफ से कैसे दिख रहा है। दोस्तों भरते रहें, बहुत ध्यान देना है, कभी कोई वायर मुड़ जाता है तो काफ़ी समस्या होती है, इसलिए पहले बराबर समझ लेना है, स्टार्टिंग में समझ लेना है बस, क्योंकि एक बार आपने ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी दिक्कत होती है। दोस्तों देखिए कॉइल को पहले सब सही कर लें एकदम, ताकि आपको कोई वायर बिखरा ना हो, बिखरेगा भरने में तकलीफ होगी। फिर दोस्तों आपको कॉइल इस तरह पकड़ लेना है और ठीक इस तरह से आपको लेके आना है अंदर, और ये जो आपने भरा है उससे बगल में जो खाचा खाली है यानी जो फ्लोट खाली है उसमें डाल देना है, और फिर ये पेपर लगा देना है। अभी ठीक इसी तरह इस तरफ भी। दोस्तों बेहद सरल बेहद आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, जिस तरह बता रहा हूँ सारे आपको कोई इस तरह से बताएगा नहीं, क्योंकि लोगों को वीडियो फटाफट बनाना रहता है, लेकिन मुझे वीडियो फटाफट नहीं बनाने का है, मुझे आपको सिखाने का है, इसलिए मैं एकदम आराम से एकदम शांति से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि अगर आपके मन में आए कभी वाइंडिंग करने की इच्छा हो जाए तो ऐसा ना हो कि मुझे नहीं आता। बस एक शर्त है मेरी कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी तरह देखें, ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद भरना शुरू करें। ऐसा नहीं करना है कि आपने वीडियो चालू किया और तुरंत स्किप कर दिया, स्किप करें तो क्या होगा पता है, फिर आपको समझेगा नहीं बराबर। दोस्तों देखिए एक बार यहाँ बाहर दिख रहा है, और जो बार बाहर दिख रहा है आपको अंदर कर लेना पड़ेगा, इन सब बातों का ध्यान रखना है, कभी किसी कारण बस एक आधा छूट गया तो आपको अंदर करना ही पड़ेगा, अगर आप ध्यान नहीं देंगे पहले तो बाद में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक बार कैसे बाहर रह गया ये कोई बात नहीं दोस्तों, अगर काम करेंगे तो गलती भी होती है, और अपनी गलती को हमेशा माने, और उससे क्या होता पता है, जब अपनी गलती मान लेते हैं, गलती मानते ही आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है कि हाँ भाई हमने गलती की थी, और अगली बार जब पंखा वाइंडिंग करना शुरू करेंगे
और तो आपको इस बात का ध्यान आ जाएगा तुरंत कि मैंने उस पंखे को भरा था उस टाइम ऐसी मिस्टेक की थी, तो आज ये पंखा भरने जा रहा हूँ तो ऐसी मिस्टेक ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ये दोस्तों देखिए, अब इस कॉइल को थोड़ा अंदर लाएँ जहाँ तक जाता है ये, और इसको बिठा दें, फिर आपको इसको इस तरह से ये वहाँ लीड वाला जो है इसको इस तरह से मोड़ के यहाँ ला के छोड़ देना है ताकि छोटा हो जाए, फंसे नहीं। फिर दोस्तों इस बार को इस तरह रखें और फिर आपको क्या करना पता है, ये देखिए अभी ये हमारे दाएं साइड में है, इसको आप इस तरह लें और ला के इधर बगल में जो खाँचा शॉर्ट खाली है उसके यहाँ पर डाल देना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें डाल देना है और फिर स्लॉट पेपर लगा देना है और साथ में देखते जाना है कि आपको कोई वायर छोटा तो नहीं। और फिर इसी तरह देखिए अभी आपको इस तरफ भी डाल देना है। दोस्तों बेहद सरल है ये, और दोस्तों हमारा जो वाइंडिंग है एल्युमिनियम है, कॉपर रहता है तो थोड़ा आसानी रहती है। एल्युमिनियम में कैसे है बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो वायर कब टूटेगा पता चलेगा भी नहीं आपको। दोस्तों देखिए अभी आपको क्या करने का है, इस कॉइल को इस तरह से रिंग बना लेना है और फिर उसके बगल में डाल देना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है। और दोस्तों इसमें इतने आसानी से वाइंडिंग हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मित्र वाइंडिंग करते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने वाइंडिंग करने के बाद में वीडियो भेजा मेरे को कि सर देखिए वाइंडिंग कर दी हमने। और वाइंडिंग करने के बाद में क्या होता है पता है, जब बांधते हैं वो तो वायर टूट जाता है, फिर से कमेंट करेंगे कि सर हमने एक वाइंडिंग किया था और हमारा वायर टूट गया और हम बहुत परेशान हुए, हुआ नहीं, फिर हमने फिर से कॉइल निकाला, फिर से नया कॉइल बना के डाला, उसको काट के फेंक दिया। दोस्तों बेहद सरल तरीका, बेहद आसान तरीका, इसमें हमने एक कॉइल भर गया आपने, फिर आपको दूसरा कॉइल ढालना है इस तरह से और ये देख लेना है कि आपका वायर किस तरफ है। ये दोस्तों आपको ये इस तरह रखना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए ये वायर थोड़ा छोटा पड़ा है, तो आप इस तरह खींच लें और इस वायर को बड़ा कर लें आप। अब दोस्तों देखिए अभी आपका इस कॉइल का वायर यहाँ निकला हुआ है, तो आपको दूसरे कॉइल का वायर यहाँ निकलना चाहिए, यहाँ नहीं निकलना चाहिए। अगर यहाँ निकल जाएगा तो समझ जाइए गड़बड़ है। अभी आप गौर से देखिए हमारा जो वायर है, ये देखिए हमारा लीड वायर किस तरफ निकल रहा है, पहले यहाँ निकल रहा है दूसरा यहाँ निकल रहा है, इस बात को ध्यान रखना है बस, छोटी सी बात। और ये इस तरह से लाएँ और इसके अंदर, बहुत आसान तरीका दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों वीडियो में बनाना थोड़ा समझ आता है क्योंकि आपको दिखाना है, समझाना है, नहीं तो अगर आप वाइंडिंग करेंगे इस एडजस्टमेंट को सही से फटाफट करना हो तो मुश्किल से आप 20 मिनट के अंदर वाइंडिंग कर सकते हैं इसको, पूरा बांधना वांधना सब कुछ पकड़ के 40 मिनट तक सब कुछ रेडी हो जाएगा ये कंप्लीट। अगर आपसे कोई बात ना करनी हो, कुछ भी ना करना हो, लिया फटाफट कॉल बनाया खटाखट डाला इस तरह से और फिर आपको समझाना होता तो क्या होता, उसमें समझ आता है। फिर आप धागा को खोल लें, इस कॉइल को बचे हुए कॉइल को आप पूरा खींच लें, एकदम प्यार से खींच लें। पूरा खींच लें, खींच लिया आपने और इसको आपको बिठा लेना है इस तरह से बिठा लें। और देखिए दोस्तों देखिए हमारा जो वायर देखिए कहाँ निकला है, एक लीड इस तरफ है, दूसरा ठीक उसके सामने निकला है। अगर आपका लीड यहाँ निकल गया तो समझिए आपने कहीं गलती कर दी और आपको पता चला भी नहीं, लेकिन हमारा लीड सही जगह निकल रहा है तो इससे मतलब है हमने कोई गलती नहीं की। और फिर से इस कॉइल को इस तरह से जैसे आपने पहले को रिंग किया था इस तरह से ला के इसको भर देना है।
दोस्तों जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है। हमने बताया पहले ही कि आप जब भरेंगे एलपीडी वाले पंखे कोई भी होंगे तो भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो भरने जा रहे हैं पंखा उसके अंदर वायर जो है मुड़ेगा नहीं, वायर जैसा है वैसे ही रहेगा। मुड़ने से क्या होता है पता है, जब वायर मुड़ता है हमारा तो फिर वायरिंग जल्दी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जहाँ मुड़ेगा मुड़ने बाद में क्या होता है पता है, एलुमिनियम वाले वायर में क्या होता है, कार्बन पकड़ता है वो, और कार्बन पकड़ के उसी जगह से वायर ब्रेक हो जाएगा और आपका वाइंडिंग बहुत जल्द बताना बंद कर देगा। फिर आपको मजबूरी में वाइंडिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पे ब्रेक हुआ है आपको पता चलेगा नहीं, आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जब आप वाइंडिंग कर रहे हो तो आपका वायर जो है मुड़ेगा नहीं, आप ऐसा कोशिश करें। फिर देखिए इस तरह से मोड़ लें और ला के उसके अंदर डाल दें। लास्ट लोड में हमारा 112 वाला, ये देखिए, और पेपर लगा दें। दोस्तों हमारा जो वायर है ये 35 गेज एल्युमिनियम वायर है, और जो हम पेपर डाल रहे हैं ये पेपर हमारा 7 नंबर का पीवीसी सीट है। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स में जो भी आइटम चाहिए होगा, जो जो मैं रिपेयर करता हूँ उन सभी के स्पेयर पार्ट्स आपको मेरे पास मिल जाएंगे। बहुत सारे मित्रों ने मंगा लिए हैं और उनको हमारी क्वालिटी बारे में समझ में आ गया है कि आदमी कैसा है, सामान कैसा बेचता है। तो आप भी एक बार जरूर मंगाएं, सैंपल के तौर पर थोड़ा थोड़ा मंगाएं, एक बार अंदाजें कि क्वालिटी कैसी है। हाँ, लेकिन एक बात बताना दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप सामान मंगाएंगे तो देखिए क्या होता है, अभी आपके घर कश्मीर में है, मेरा बॉम्बे में दुकान है, तो कभी कभी किसी किसी कारण बस हो जाता है ऐसा भी कि सामान लेट पहुँचे, तो उसमें आप नाराज ना हो कि सामान पहुँचा नहीं, सामान तो पहुँचेगा, कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों एक लीड नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया भाई, ये देखिए इसके बीच में घुस गया था ये। जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो डरना नहीं है, आपको आराम से माइंड को ठंडा रख के काम करना है। अब दोस्तों देखिए बांधने से पहले आपके रनिंग के अंदर जो हमारा वायर है एक भी बार खींचेगा नहीं, क्योंकि आपने टेप लगा दिया है, और स्टार्टिंग के अंदर भी आपको बांधने से पहले इस बात को पक्का कर लेना है कि कभी कभी क्या होता है, भरते समय एक वायर अंदर रह गया, खींच दिया आपने और दूसरे साइड बांध दिया, जब इस साइड बांधने जाएंगे तो पता चलेगा कि आपका वायर छोटा रह गया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बांधने से पहले इस बात को पक्का कर लेना है कि आपका कोई वायर खींचतान में नहीं है, एकदम सही पोजिशन पर है। इस तरह से खींच के देखिए, इस तरह खींच लें हाथ डाल के, ताकि जो वायर कहीं इधर उधर हो वो बराबर हो जाए। और एक बात दोस्तों, जब आप इस तरह से खींच रहे होंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि समझिए कि एक वायर कोई इस तरह है यानी अकेला रह गया है, आप खींचेंगे टूट जाएगा वो, आपको पता चलना चाहिए आपके हाथों को कि भाई एक वायर रह गया अकेला, वो अगर रह गया है तो उसको आराम से पहले ऊपर लें, उसके बाद बांधना शुरू करें। क्योंकि हमने बताया पहले ही कब टूटेगा आपको पता चलेगा भी नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम है ताकत लगता नहीं है। अब दोस्तों हमने वायर को सही कर लिया है, अभी क्या करना है आपको, ये जो वायर हमारा लीड वायर है आपको इसको डाल देना अंदर, इधर अंदर डालने, ताकि आपको बांधते समय आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना करे। फिर दोस्तों देखिए आपको लगा देना इसमें पीवीसी सीट। दोस्तों मैं जो इसमें लगा रहा हूँ पेपर, ये पेपर हमारा 7 नंबर का वही है पीवीसी सीट जो मैंने लगाया स्लॉट पेपर के बीच में, ये देखिए। फिर आपको इस तरह जगह बना के इसके यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगा इसके अंदर, जैसे बनाना वीडियो में सेम टू सेम एकदम ऐसे बना डाल दूंगा। मैंने कहा पहले ही कि समझिए कि आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके सामने काम कर रहा हूँ, ताकि अभी आज एक बात है, हमारे पास एक मित्र आए थे और बोले कि सेठ मुझे काम सीखने का है, काम सिखा दें क्या। दोस्तों उनकी उम्र मुझे लगता है कम से कम 50 साल हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, और उन्होंने साथ ही कहा कि सर काम सिखाएंगे पैसे वैसे देंगे, तो हमने कहा भाई नहीं भाई हम कोई पैसा देंगे नहीं, कम से कम आपको 6 महीने तक फ्री में काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए किसी को 6 महीने काम करना फ्री में काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति घर का जिम्मेदार व्यक्ति है और उसके भरोसे उसे घर चल रहा है तो फ्री में काम कैसे करेगा वो। तो मेरी इच्छा है कि आपको किसी दुकान पर जाके काम ना करना पड़े, आप डायरेक्टली मेरा वीडियो देख के आप काम सीख सकें, इसलिए मैं इतना समझाने की कोशिश करता हूँ और आराम बताता हूँ।
ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए और ताकि आप इसको आराम से वाइंडिंग कर सके बिना देखे बिना कुछ किए। अब दोस्तों देखिए अपने सिलाई करने का है, आपको सिलाई करने का है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें जब आप सिलाई करेंगे तो आपको सिलाई करना शुरू करना है। आप चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, आप चाहे यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा आपको जब सिलाई करना शुरू करेंगे आप तो आपको ध्यान ये देना है कि जहाँ आपका देखिए पहला कॉइल अपने ज़्यादा था रनिंग का यानी 1 से 8 जबड़ा पीछे है यहाँ शुरू करना है। इससे क्या होता है हमारा जो ये वाला कॉइल है पहला कॉइल और इसका कॉइल अच्छे से रहेगा। अगर यहाँ माने तो क्या होता है हमारा पेपर जो है ऊपर चला जाता है। इसके लिए हमेशा जब भी बनाना शुरू करेंगे आप तो आपको यही बनाना शुरू करना है। दोस्तों पहले आपको बनाना है सूजा। और दोस्तों देखिए अब मैं इसके सिलाई कर रहा हूँ ये धागे से क्योंकि हमारा एलमंडियम वायर है काफ़ी नाजुक रहता है ये, तो इसलिए मैं धागे से कर रहा हूँ, इसको टेपिंग की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सिलाई करते समय एकदम ध्यान से क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप इसको सिलाई करते समय ध्यान नहीं दिए तो आपकी जो सारी मेहनत है जाने वाली है पानी के अंदर। इतने मतलब समझते हैं पानी मतलब ये कि आप एक बार जुड़ गया और आप ढूंढ नहीं पाएंगे तो फिर से आपका किया कराया सब कुछ चला जाएगा पानी में। फिर दोस्तों देखिए आपको इस तरह से इस तरह लेना है और आपका जो धागा है आप चाहे गांठ यहाँ मार सकते हैं लेकिन आपको गांठ यहाँ नहीं मारना है, आपको गांठ मारना नीचे इधर जहाँ देखिए मैं कहाँ मार रहा हूँ एकदम आपको नीचे गांठ मारना है और टाइट लेना है और टाइट लेके आपको इसे गांठ लगा देना है। दोस्तों सभी का अपना काम करने का ढंग है। दोस्तों मेरा ढंग है कि मैं सिलाई करता हूँ तो हमेशा इस तरफ बैठता हूँ इस तरफ से यानी मैं इस तरह घूमता हूँ। कुछ लोग इस तरह घूमते हैं सबका अपना सिस्टम है लेकिन मैं इस तरह इसलिए घूमता हूँ क्योंकि मेरा जो धागा है। अब दोस्तों देखिए अभी आपने एक में डाल दिया है फिर आपको एक खाना छोड़ के दूसरा डालना है इस तरह से। ये देखिए ये सिंपल सा और ये देखिए ये कोई गांठ कुछ लगाना है ये देखिए आपको लाना है और ये गौर से देखिएगा ये देखिए इस तरह से लाएं इसको खींच लें ये देखिए टाइट हो गए दोस्तों बहुत ही सिंपल। अभी उसके बगल वाले में आपको इसमें ला देना है उसके बाजू में ही क्योंकि आपका दूसरे कॉइल है ये आप दूसरे कॉइल पहुंच गए रनिंग के। ये देखिए एकदम सिंपल तरीका है ये जब धागा बांधेंगे देखिए अपनी उंगलियों को एकदम नीचे लाए यानी धागा अपना देखिए गांठ जो है आपको एकदम नीचे पहुंच जाए फिर इस तरह खींचे फिर इसको नीचे लें फिर इस तरह खींचे ये देखिए एकदम टाइट है ये। और फिर से आपको एक छोड़ के करना है ये देखिए दोस्तों देखिए एकदम टाइट हो गए एकदम फिनिशिंग में अच्छा आएगा और आपका जो रोटर जाने के लिए जगह रहता है एकदम फर्स्ट क्लास जगह बनेगा। दोस्तों वीडियो को भगा नहीं रहा हूँ एकदम मैं क्या बोल आपको कि आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ इस तरह का वीडियो ये जिससे अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति समझिए कभी किसी ने पंखा वाइंडिंग न किया हो और मेरे वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो पक्का है कि वाइंडिंग कर पाएंगे आप। दोस्तों कई सारे मित्रों ने मेरे वीडियो देख के दुकान खोल दिए हैं और मुझे बड़ा खुशी होता है कि जब लोग दुकान खोल के उनकी रोजी रोटी चल रही तो दोस्तों वाइंडिंग करना बेहद आसान है कोई मुश्किल काम नहीं है। कई सारे मित्रों को लगता है कि आपको वाइंडिंग काम सीखने पड़ेगा लेकिन दोस्तों मैंने कहीं पे काम सीखा नहीं है। मैं तो गाड़ी का एक मैकेनिक हूँ फोर व्हीलर मैकेनिक हूँ कार का मैकेनिक हूँ मैंने वही काम सीखा है लेकिन अब मेरे मन में ये इच्छा आ गई कि ये काम करना चाहिए अच्छा काम है तो मैं एकदम जी जान से लग गया और देखिए परिणाम देखिए कि आज बिना सीखे भी इतना सारा काम कर पाता हूँ मैं कि जिन लोगों ने सीखा है और उनको भी इतना काम नहीं आता है। दोस्तों उसके कोई स्पेशल वजह नहीं है स्पेशल वजह कुछ भी नहीं है और ना ही कोई मैं कोई स्पेशल व्यक्ति हूँ
जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि आप सोचते हैं कि अरे होगा नहीं होगा, डरते हैं, और मैं डरता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है अरे क्यों नहीं कर पाऊँगा मैं, अगर एक व्यक्ति कर पा रहा है तो मैं भी कर पाऊँगा, ऐसा मेरा सोचना है। और जहाँ आपने इस तरह सोचा कि अरे मैं कर सकता हूँ, बस ये सारा खेल सोचने का ही है। आप एक बार सोचिए कि मैं, मुझे करने का है, मैं कर सकता हूँ बस। लेकिन अक्सर हम लोग डरते रहते हैं कि अरे कैसे होगा, बहुत बारीक वार है, टूट जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसा सोचेंगे आप तो फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं। तो आपको डरना नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर टूट भी जाएगा तो भी आपको दिखाऊंगा तरीका, फिर समझिए आप माइंड कर रहे हैं और टूट गया तो उसके बाद तरीके दिखाता हूँ मैं कैसे आपको ढूंढना है। क्योंकि दोस्तों आप नए नए हैं, अगर माइंड करेंगे तो टूटने का चांस रहेगा, टूट भी सकता है। दोस्तों हमेशा काम एकदम ध्यान से करें। देखिए दोस्तों, हमारा धागा जो है एकदम कट टू कट है, ना छोटा है ना बड़ा है। दोस्तों आपको हैबिट बनाना चाहिए काम करने का, इससे क्या होता है आपको सामान जो है वेस्ट नहीं होता, और फिर आपको इसके तरह से कट कर देना है। दोस्तों देखिए एकदम जगह फर्स्ट क्लास है, रोटर कैसे भी घुसाइए आप, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको अपने सीधा लिया है, अभी आपको वायर जो है इन सबको साइड में कर दें, इनको आपको सीधा करना पड़ेगा क्योंकि जलाना है आपको। इसको चलाएंगे आप तो एकदम फुर्ती चलाना पड़ेगा, एकदम फुर्ती से, क्योंकि अल्मुनियम आ रही है। अगर आपने जल्दीबाजी नहीं की जलाने में तो वायर कब जल के पिघल जाएगा क्या को पता चलेगा भी नहीं। दोस्तों हमने सीधा कर लिया है। अभी दोस्तों आपने पीछे सिलाई किया है तो हो सकता है कि आपका वायर कोई खींच गया हो और कोई छोटा बड़ा हो गया हो, तो आपको इस बात को देख लेना पहले ही कि कहीं कोई वायर छोटा बड़ा तो नहीं हो गया, हमारा परफेक्ट है कि नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती यहीं पे होगी, आप तोड़ेंगे वायर तो पीछे नहीं टूटता है क्योंकि साइड खुला हुआ है। जब खुला हुआ है तो आप पीछे सिलाई करेंगे तो वायर खींच चला जाए उस तरफ, लेकिन जब आपने पीछे सिलाई कर दिया उसके बाद जब खींचेंगे आप तो कोई वायर सरकने वाला नहीं है, डर चुकने वाला है। तो इसके लिए आपको पहले ध्यान देना है। अब दोस्तों हमारा सारा वायर सही है, अभी आपको लगाना है पहले पेपर। अब पेपर लगाने के बाद ही आगे बढ़ना है, थोड़ा जगह बनाए। और दोस्तों ये देखिए, आपने जो टेपलॉन टेप लगाया था उसके वजह से क्या होता है पता, और टेपलॉन टेप लगाने की वजह ये है कि आपको रनिंग और स्टार्टिंग को अलग करने में कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि समझिए कि रनिंग तो पहले से अलग है और खुद बखुद साइड में खड़ा है बाहर ही, बोलता भाई मैं दौड़ने बाहर हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भाई आपने टेप नहीं लगाया होता तो दूसरे से मिल जाएंगी, फिर आपको अलग करने में काफ़ी दिक्कत होगी। इसके लिए आपको टेपलॉन टेप लगाना चाहिए। दोस्तों मेरे तरीके जो है एकदम लाजवाब तरीके हैं, ऐसा नहीं बोलते मेरे तरीके बहुत बेस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे तरीके सच ही बेस्ट हैं। आप जरूर आइएगा। फिर आपका जो पेपर है लाके यहीं पर रख दें। दोस्तों एक बात को नोटिस करिए, देखिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप सिलाई करेंगे तो आपका जो पहला सिलाई करना शुरू हो यहाँ पर होना चाहिए। देखिए मतलब पेपर जो ज्वाइंट होता है हमेशा, मैं कोई पंखा वाइंड करूँगा पेपर का ज्वाइंट भी यहीं पर आएगा, ये मेरी आदत है। मैं कुछ करूँ ना करूँ ले अपना सिस्टम में काम करने का, तो मैं चाहता हूँ कि आपका भी सिस्टम ऐसा बने ताकि आपको भी काम करने में कोई मुश्किल ना हो, आप आसानी से काम कर पाएँ बस। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों को काम सिखाना ही मेरा मकसद है बस, दूसरा कोई मकसद नहीं मेरा वीडियो बनाने का। मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने का ज़्यादा कोई शौक नहीं है। और हाँ दोस्तों, मैं आने वाले दिनों में जो यूट्यूब से मुझे पैसे मिल रहे हैं मैं इस पैसे का कुछ उपयोग करने वाला हूँ, और वो पैसे भी अपने देश हित में लगाने वाले हैं, लेकिन वही बताऊंगा नहीं मैं क्योंकि समय आया नहीं है, पहले बताना अच्छी बात नहीं है। जब वो टाइम आएगा तब खुद ब खुद देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर दोस्तों देखिए, अभी आप इसको सिलाई करने का है, सिलाई करने से पहले आपको क्या करना है पता, आपने पेपर लगाया है तो आपको देख लेना है कि आपका कोई बार पेपर की वजह से उस तरफ तो निकल गया है, अगर उस तरफ निकल गया है तो आप उसको खींच के अंदर तरफ ले लें। और फिर दोस्तों अभी इतना ऊपर है ये, तो आप इस तरह से पकड़ें इसको थोड़ा अंदर बिठा दें, यानी आपका जो वायर है ये एल्युमिनियम वायर आपका जो पेपर है उसके सेम में आ जाए, सब में आ जाए, एकदम उतने लेवल में आ जाए, इस तरह बिठा देना आपको।
जैसे देखिए ये बैठ गया है, अभी आपको पंखा बंद करना है और स्विच जला देना है। दोस्तों देखिए मैं स्विच जलाने जा रहा हूँ, और दोस्तों जो एल्युमिनियम वाले पंखे होते हैं मैं इसमें ये स्विच डालूंगा नहीं, स्विच डालूंगा केवल हमारे लीड वायर में, इसमें स्विच डालता नहीं मैं, इसलिए ऐसे रहेगा। अभी दोस्तों चलाएंगे आप, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सभी जितने वायर हैं यानी कि 4 लीड निकालने वाले हम लोग, तो 4 लीड को यहाँ पर आना चाहिए, तो उसके हिसाब से जलाएं। समझिए कि आपको इसको यहाँ जलाना है, यहाँ पे ये मतलब निशान लगा लें आप, यानी आपको जलाने का है इसके बाहर ही, आपने ऐसा किया इसके बाहर जलाना है। दूसरे को भी आप यहाँ जलाएं, आप दूसरे को ध्यान रखें कि आपको जलाना है इसके इस तरफ, एक तरीका बता रहा हूँ आपको। तीसरे को भी मैं यहाँ लीड निकालने वाला हूँ, तो आपको ये यहाँ जलाना है, यहाँ से यानी इसके ऊपर जलाना है। चौथे को भी आपका लीड यहाँ निकलने वाला है, तो आपका वायर यहाँ तक आएगा, ये कहाँ तक आएगा देखिए, यहाँ तक, यहाँ तक आएगा, तो आपको यहाँ जलाना है इसके ऊपर, ये देखिए एक तरीका है दोस्तों। आप इस तरीके को फॉलो करें, आपको काम करने में बहुत आसानी होगी, एकदम आराम से काम कर पाएंगे, बिना गलती किए, बिना कोई मगजमारी किए, एक सिस्टम रखिए आप। फिर दोस्तों देखिए जलाएंगे आप, मैंने बताया पहले कि एकदम फुर्तीला हाथ पैर होना चाहिए आपके उस टाइम पे, नहीं तुरंत बिगड़ जाएगा। आपने थोड़ा भी लेट किया तो देखिए क्या हालत होती है, ये देखिए गया। इसलिए आपको जलाना है एकदम फुर्ती से, देखिए आप जब जलाना शुरू किया देख खटा खट खटा खटा ऐसे जलाना है एकदम जल्दी से, ऐसा जलाना है आपको। इस तरह जलाए दोस्तों, जल गया, पंखा चालू कर दो, गर्मी काफी ज्यादा है, सब कुछ। अब दोस्तों देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि आपको वायर इस तरह मोड़ना है, मैं बार बार बोल रहा था कि आपका वायर कारण पकड़ के टूट जाएगा। अभी देखिए अभी ये मुड़ा हुआ है, अगर आप इसको खींच देंगे तो यहाँ पे गांठ बनेगा, जब गांठ बनेगा यहीं पे बने कार्बन। तो मैं ऐसे बोल रहा था कि ना कि ऐसे मोड़ा था, ऐसा मोड़ा आपने एकदम सीधा कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसे मोड़ा आपने इसे खींच दिया यहाँ पे गांठ बन गया तो यहाँ कार्बन पकड़ते टूटता है वो। इसके लिए जब कभी ऐसा गांठ आपको दिखाई दे तो आपको ये इस तरह करना है ताकि कोई गांठ थमे उसके अंदर, सभी को इस तरह सीधा करना है, और फिर उसको सफा करेंगे तो आपको वायर में जरा जोर से पकड़ना है, और ये एल्युमिनियम वायर तो जो पॉलिशेबल लेंगे एकदम मरा हुआ पॉलिशेबल होना चाहिए, एकदम पतला, एकदम प्यार से इस तरह साफ कर, देखिए एकदम अच्छे से साफ कर लेना आपको, ये देखिए एकदम वाइट एंड वाइट हो जाना चाहिए देखिए। और सही दोस्तों जब आप लीड बांधेंगे तो आपके हाथ की चुटकियाँ एकदम साफ सुथरी चकाचक होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं इसको साफ कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए हमने सफा कर दिया है, अभी हमने आपसे पहले बताया कि मैं लीड निकालने वाला हूँ यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले आप इसको आकर उठा लें। और दोस्तों देखिए मैं भी लीड निकालू यहाँ पे, जहाँ पे लीड निकालता हूँ मैं वहाँ पे हमारा एब्रो टेप लगाता हूँ मैं, इस तरह से आपको एब्रो टेप लेना है और लाके इधर यहाँ पे ऐसा लगा देना है, इस तरह आपको लगा देना है। दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोलता कि आपको एब्रो टेप लगाना चाहिए, लेकिन मेरा तरीका है, मुझे बहुत प्यारा लगता है भाई, तो इसे मैं लगाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप भी लगाना। इस तरह से आपको एब्रो टेप लगा देना है और आपको इसको इस तरह कर देना है, फिर आपको बांधना भी लीड वायर। दोस्तों ये मेरा दुकान का स्टार्टर नहीं है, एक दुकानदार ला के दे के गया स्टार्टर, तो इसलिए मैं इसमें 4 बार निकालने आ रहा हूँ। दोस्तों देखिए अभी आपको वायर छीन लेना है इस तरह से। दोस्तों आपको लीड वायर चाहिए, स्लीव चाहिए, वार्निश चाहिए, कुछ भी चाहिए मिल सकता है। दोस्तों हमारा जो लीड वायर बेचता हूँ मैं, और 1460 ये वही वाला लीड वायर है, एकदम बढ़िया, ये कॉपर वायर है, एकदम टिन कॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिंदास लीड निकालें, आप सीलिंग फैन में, टेबल फैन में, और टावर फैन में, कूलर में, सब में ऑपर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ होता नहीं है। अब दोस्तों मैं इसमें निकाला हूँ 4 लीड, दो ब्लैक दो रेड, तो रेड निकालूंगा मैं रनिंग के लिए और ब्लैक निकालूंगा स्टार्टिंग के लिए। अब दोस्तों देखिए अभी आप लीड निकालेंगे, अभी आप गौर से देखिएगा, जब मैं लीड बांधना शुरू कर रहा हूँ तो आप देखेंगे जहाँ से मैं सफ़ा किया हूँ, ये देखिए आप चमक रहा हो मेरे हाथों के अंदर, मैं लीड बांधूंगा देखिए, ये देखिए यहाँ से लिया, आप गौर से देखिए, आपका 2 राउंड जो आपने सफ़ा नहीं किया है वो लपेटना चाहिए इसके अंदर। दोस्तों बहुत बारीकी बता रहा हूँ मैं, आप वीडियो को ध्यान देखिए बस, अगर आपने ध्यान से देखा। दोस्तों देखिए हमने 2 राउंड लपेट दिया है जहाँ पे सफ़ा नहीं है, उसके बाद आपको लपेटना है सफ़ा वाला, लपेटेंगे आप एकदम आराम से लपेटना है,
दोस्तों देखिए हमने लपेट दिया, देखिए एकदम लेयर में लपेटा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है। और फिर आपको इसको कट कर देना है दोस्तों, आपको दोबारा उसके ऊपर लपेटने की जरूरत नहीं है, कमालीट हो गया है, इस पार करेगा नहीं और कुछ नहीं होगा। और फिर आपको इसको बांध देना है, दोस्तों आप लीड बांधेंगे एकदम लेयर में लपेटना आपको, दोस्तों मंडली बांधता हूँ, इतना समझिए देखिए ऐसा लगेगा कि मशीन से लपेटा हुआ है। देखिए वहाँ से आप एक बार भी दूसरे को चढ़ेगा नहीं, एकदम क्लियर कट रहेगा। आपको लीड लपेटते हुए इस तरह रखना है, और फिर हाथों देखिए हाथ की छुट्टी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, एकदम आपको लीड चमकना होना चाहिए। उससे क्या होता है पता है, जब पंखा जल जाएगा उसके बाद ही आपको लीड खोलेंगे आप, तो आप देखेंगे आपके लीड में कोई स्पार्किंग नहीं हुआ है, कोई कारण पकड़ेगा नहीं, एकदम साफ सुथरा चकाचक ऐसे रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, इसको आराम से लेना है, चढ़ा देना स्लीव सभी के ऊपर। अब दोस्तों देखिए हमने धागा रेडी कर लिया है और स्लीव लगा लिया है, सब कुछ कर लिया है रेडी है। अभी आपको क्या करने का है, आपको बांधना है लीड वायर को बांधना है, तो आपको करना ये पड़ेगा, ये देखिए अभी आपको ये देखिए सभी वायर को ला के देखिए, आपको जो स्टार्टिंग से बाहर निकला हुआ है आपको रखना है स्टार्टिंग के ऊपर, जो वायर निकला है रनिंग से आपको रखना है उसको रनिंग के ऊपर। आप गौर से देखिएगा, मेरा सिस्टम है ये, आपको पसंद आए तो आप जरूर अपनाइएगा, और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको जो पसंद आएगा, रनिंग को रनिंग के ऊपर, स्टार्टिंग को स्टार्टिंग के ऊपर। अभी आपको सभी वायर को अपने इकट्ठा रख लीजिए, देखिए फिर आप बांधना शुरू करेंगे। देखिए हमने आपसे पहले कहा कि आप बांधना शुरू करेंगे, कि जो आपका रनिंग कॉल का पहला कॉल आपने बांधना शुरू किया था वहां शुरू करना है। दोस्तों गांठ आपको एकदम नीचे लगाना है, दोस्तों देखिए हमने रनिंग कॉल का पहले कॉल भी शुरू किया है बांधना। अभी आपको जो लीड वायर है, अक्सर लोग लीड बांधते हैं, कोई पैरान व्यक्ति खींचेगा यहाँ से उखड़ जाता है, यानी हमारा जो वाइंडिंग वायर अलग लीड वायर अलग, लेकिन मेरे सिस्टम में कैसा है, कोई पैरान खींचे नहीं, कोई हाथी भी खींचे भाई टूट जाए भले वहाँ निकलेगा नहीं, कोई चांस नहीं निकलने का। अब इसको दोस्तों मैं एक बार खाली लपेटूंगा इसको हमारे धागे के अंदर इस वायर को, बाकी इसको बाहर छोड़ दूंगा मैं। दोस्तों देखिए हमारा एक बार हमने एक बार लपेट दिया इसको, अभी इसे कोई टेंशन नहीं, छोड़ दे बिंदास, अभी इसे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। दोस्तों हमारा जो सुई है ये अल्मीनियम वाला वायर है, ये कॉपर का होना चाहिए था, ये बस कॉपर वायर यहाँ पे था नहीं, तो इसलिए हमने बनाया सुई को अल्मीनियम वायर है, ये 27 गेज का अल्मीनियम वायर है। जब आपको सुई बनाना हो तो सुई बनाने लिए आपको 27 या 28 गेज का कॉपर वायर होना चाहिए। दोस्तों सिलाई करते समय एकदम ध्यान से, और आपका हाथ है एक बार ऐसा जांच के अंदर, कभी कभी क्या होता है वायर कोई खिंचा होगा आपको मालूम पड़ेगा भी नहीं, आपका धागा उसको कब तोड़ेगा पता चलेगा भी नहीं आपको कि कब तोड़ दिया उसने, आप पता चले कब जब आप चेक करेंगे तब करे गड़बड़ हो गया कहीं, फिर आप ऐसा करने वाले हैं लेकिन कुछ फ़ायदा होगा नहीं फिर, क्योंकि आप गड़बड़ कर चुके पहले ही।
दोस्तों वैसे भी वाइनिंग वाइनिंग नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे वाइनिंग जो है ऐसा मेरे बंदे लोग करते हैं, मेरे आदमी लोग करते हैं, वाइनिंग करता नहीं मैं। वाइनिंग करता तभी मैं जब मैं कोई वीडियो बता, तभी इससे पहले वाइनिंग वाइनिंग करता मैं अभी, कि सारा काम मेरे कर्मचारी जो है तो वही संभालते हैं। अभी हमारा जो बड़ा दुकान है हमने दे दिया है हमारे साले साहब को चलाने के लिए परमानेंटली, कि लो आप चलाओ कमा खाओ मस्त रहो, ऐसा बोल के मुझे दे दिया है। दोस्तों एकदम फुल टाइट किया हमने, दोस्तों धागा देखिए एकदम कट टू कट माप का ये, इसे बोलता हूँ कि आप काम करने आदत डालिए, आदत डालेंगे तो क्या होगा आपका सिस्टम बन जाएगा। धागा जितना कट करना है उतने कट करेंगे आप, स्लीव जितना कट करना है उतने कट करेंगे आप, पेपर जितना कट करना है उतने कट करेंगे आप, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, यानी कि आपको आपका सामान जो है आपसे वेस्ट नहीं होगा, आपसे आपका सामान को नुकसान नहीं होगा, आपके आपका सामान को नुकसान नहीं होगा, आपका सामान वेस्ट नहीं होगा, तो क्या होगा पता है, उससे आपकी बचत होगी, आपकी बचत होगी और आपको तरक्की करने में सहायता मिलेगी। अब दोस्तों देखिए अभी आपको इसको दबा के सही करना है ताकि कहीं कोई टच फच ना हो, कोई लफड़ा ना टच का, इसको एक बार दबा दे इस तरह से, दोस्तों देखिए एकदम फुल टू फुल जगह है, रोटो जाने कोई लफड़ा नहीं है, दोनों साइड से बिंदास रोटो जाएगा। और दोस्तों मैं एलुमिनियम वाइंडिंग में वार्निश नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको वार्निश नहीं करने वाला हूँ, बस सीधा सीधा आपको देख के इसको फिटिंग कर दे रहा है। और दोस्तों देखिए मैंने आपसे कहा था पहले ही कि जब आप भरना शुरू करेंगे तो आपका जो कॉयल है आपका, आपने रनिंग कॉयल भरना शुरू किया तो आपका देखिए पहला आपने इसे भरा, दूसरा इसे भरा, तीसरा इसे भरा, तो क्या होता है हमारा जो कॉयल है ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, तो आपको जो वायर है यहाँ इस तरफ नहीं आता है। देखिए ये बेनिफिट है, ये देखिए एकदम बिंदास जगह बना हुआ है, कोई खतरा नहीं है आपके कॉल को लड़ने का। वही क्या होता है अगर ये कॉल समझिए आप यहाँ होता या आपका वायर जो निकल के ऐसा आता तो अच्छा रहती है, लड़ने चांस रहता है। अब इसको कट कर लें और चेक कर लें, क्योंकि आपने बड़े मेहनत से वाइंडिंग किया है और बांधा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ, इसलिए आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वैसे आपको जब लीड आपने जलाया तभी आपको चेक कर लेना चाहिए, अगर आप नए नए व्यक्ति हैं तो आप मेरे ऐसा ना करें, मैं बातें बातें भूल गया आपको चेक कर दिखाना। वैसे आपको जब आप पीछे साइड बांध देंगे, पीछे बांधने बांध दें, जब लीड साइड बांधना शुरू करेंगे तभी आपको चेक करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप चेक करें बॉडी शॉट, दोस्तों देखिए हमारा सीरीज चल रहा है, हमारा बॉडी शॉट नहीं आएगा, मुझे पक्का बात पता है पहले से ही, दोस्तों बॉडी शॉट नहीं आ रहा है। एंड दोस्तों देखिए हमारा वाइंडिंग बता रहा है, ये देखिए स्पार्क कर रहा है, और सारे दोस्तों देखिए हमारा बल्ब जो है जल रहा है, ये उजाला आपको दिख रहा होगा। दोस्तों देखिए रनिंग भी बता रहा है, रनिंग ओके है। अभी आपको देखिए हमारा बॉडी शॉट और आपस में शॉट भी नहीं है, एकदम ओके है। इस तरह से वार्निंग कर सकते हैं एपी फैन को और एग्जिस फैन को। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों को समझ ना तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।